चलो पढ़ें। सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी है? ग्रेट, GRATE, कोई ग्रेट। जो हम चीज़ का ग्रेट नहीं करते, जो चीज़ बारीक बारीक हुआ होता है ग्रेटर, जिसमें हम कभी कभी जो है कैरेट्स भी ग्रेट करते हैं, उस ग्रेट मी हाई टीम ग्रेटर, वो जो ग्रेटर मशीन होती है, या ग्रेटर जो है वो एक प्लेट होती है जिसके ऊपर अगर हम वो रगड़ते हैं तो वो ग्रेट हो जाता है। स्मॉल पीस है सो यस, देखो ये दो तरह के ग्रेट है नूर, GRATE ग्रेट, जिसमें हम वेजिटेबल या फूड को ग्रेट करते हैं, ठीक है, और दूसरा है GRETE। कौन सा है? वो दैट वन ग्रेट ग्रेट मीन्स अच्छा, मतलब कोई अच्छा काम करे, या कोई अच्छा इंसान हो, या कोई अच्छा एक्ट हो, ग्रेट, तो उसके लिए हम कहेंगे दिस इज़ वेरी, दिस इज़ अ ग्रेट एक्ट, या दिस इज़ द ग्रेट वर्क यू डू, यू आर ग्रेट। समझ आई है? तो दे आर, इनका साउंड सेम है बट इनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। चलो 5 टाइम्स पढ़ो ग्रेट मेरे साथ, GRATE, ए रिवाइज करो, GRATE, टी फिर से जी आर आई टी टी जी आर आई GRATE, टी ई ग्रेट, क्वाइल जी आर आई GRATE, टी ई ग्रेट, क्वाइल फिर से पढ़ो, जी आर आई टी ई क्वाइल ग्रेट, टी की आवाज पूरी किया करो, ग्रेट। Great. और दूसरे ग्रेट की क्या स्पेलिंग है? GRETE, GRETE. जी, सेम, देखो सेम जो अल्फाबेट्स हैं वो भी सेम है, लेकिन अल्फाबेट इधर उधर हुए हैं, GRETE, GRETE, ग्रेट, रिवाइज करो मेरे साथ, ई ए टी, T. ग्रेट, Great. फिर से प्रॉपर एक्टिव होके एक्टिव आवाज़ निकालो, GRETE, GRETE. ग्रेट, Great. GRETE, GRETE. ग्रेट, इसका मतलब होता है गुड, मतलब समथिंग, ये समथिंग, वेट ना वाला पढ़ रहे हैं, What? GRETE, ग्रेट, नूर, कम ऑन, नमू, नू, चलो आओ ये पढ़ लें हम, नूर, 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 इधर देखो बेटा, दूधा ग्रेट, GRETE, ग्रेट, फिर से दोहराओ, आंखें बंद करो और पढ़ो, GRETE, ग्रेट, GRETE ग्रेट, ग्रेट ग्रेट वर्क, ग्रेट ग्रेट पर्सन, ये होता है ग्रेट, ग्रेट GRETE, ग्रेट, ग्रेट GRETE, नूर पढ़ो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जी, हाँ, GRETE ई ए टी, ग्रेट, Great. ग्रेट, Great. GRETE, ग्रेट, GRETE. ग्रेट। Great. नेक्स्ट पढ़ो ग्रोन, ये ग्रोन जो है Great. ना वो है जैसे आप ग्रोन हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, ग्रोन हो ना, प्लांट ग्रो होते हैं, एनिमल ग्रो होते हैं, ग्रोन अप, GROWN, ग्रोन, ग्रोन, GROWN, ग्रोन, डब्ल्यू एन, ग्रोन, फिर Grown. से GROWN, ग्रोन, G आर, R I W N Grown. फिर से GROWN, ग्रोन, G R I W N. इसका क्या मतलब है? WN वाले ग्रोन का क्या मतलब है? वी आर गेटिंग बिगर, Okay, quicker. कोई भी चीज़ जो है वो अपने साइज से बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, प्लांट ग्रो करते हैं, ह्यूमन ग्रो करते हैं, एनिमल, इंसेक्ट ग्रो करते हैं, या बिजनेस ग्रो करता है, जो चीज़ What भी, business? एनी बिजनेस, What business? एनी बिजनेस, होटल बिजनेस, स्टोर्स, ग्रो का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से बड़ी हो जाए। अब दूसरा ग्रोन क्या है? GROAN, ग्रोन, GROAN, ग्रोन, ये वो होता है जो जानवर आवाज़ निकालते हैं, उसे कहते हैं ग्रोन, सही है, ग्रोन। इसके अंदर क्या डिफरेंस है नूर, प्लीज़ यहाँ गौर करो,
इस जो ग्रोन है जिसमें हम कह रहे हैं कि बिग हो रहे हैं उसमें डब्ल्यू आ रहा है और इसमें ए आ रहा है ऑन, और ये ग्रोन है, ग्रोन ग्रोन, ये पढ़ा सही जाए सेम जाता है लेकिन स्पेलिंग इसकी सही अलग अलग होती है, जी आर ओ एन ग्रोन। पढ़ो नूर, आवाज़ निकालो G R A N ग्रोन, फिर से, फिर G R A N ग्रोन, से ग्रोन G R A N यानी ग्रोन लायन ग्रोन करें या कोई कैट ग्रोन करें, ग्रोन, जी आर ओ एन ग्रोन, ग्रोन ग्रोन। फिर करो ग्रोन 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 ग्रोन। ग्रोन अब है मेन, एम ए है आई एन मेन, जी मेन मीन्स मेन मतलब रियल काम, असल असल असल, मेन मीन्स टू द असल पॉइंट बात करना, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि नूर आपने क्या खाया तो आप मुझे ये कहें कि मैं जो है स्कूल में गया, मैं जो है कैंटीन गया, मैंने लंच आवर में ये किया, तो मैं कहूँगी मेन बात बताओ कि क्या खाया, मेन मीन्स टू द पॉइंट द रियल थिंग, जो मतलब सही बात बताओ। जैसे अब आप ये कहेंगे कि आपकी टीचर, बहुत सारी आपकी टीचर होती है ना क्लास में, लेकिन मेन टीचर कौन है, मिस विल्सन है ना, समझ आ रही है मेरी बात, मेन का मतलब समझ में आया, एम ए आई एन मेन, मेन मीन्स जो रियल रियल चीज़ हो या रियल काम हो, मेन, एम ए आई एन मेन, एम ए आई एन, एम ए आई एन। दोबारा पढ़ो, पूरी स्पेलिंग पढ़ो, एम ए आई एन आई एन मेन। अब आप कोई काम करने जाते हो, आपको कोई काम करना है, ठीक है, फॉर सपोज आप क्लास में मिस कहती है कि नूर आपने जो है ना आप सुबह आओगे तो आप ना, आपका मेन काम है कि आपने जो है ना चेयर्स नीचे उतारनी है डेस्क से, आप उतारते हो ना रोज चेयर्स, तो वो आपका मेन काम होता है ना, मेन, मेन मीन्स जो रियल काम, जो जो आपने काम करना है, मेन। फिर से बड़ा स्पेलिंग, एम ए आई एन मेन। हाँ हाँ फिर से, एम ए आई एन, 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 मेन नू मेन, एम ए आई एन, एम ए आई एन। अब बताओ दूसरे वाले मेन का क्या मकसद, मेन का क्या मतलब है, एम ए एन ई मेन, मेन का मतलब होता है लॉयन या हॉर्स जो होते हैं उनके सर से जो नेक तक बाल होते हैं उनको मेन कहते हैं। नूर प्लीज इधर देखो, एम ए एन ई मेन, मेन जो है वो हेयर्स हैं जो लॉयन के हेड के ऊपर से नेक तक जाते हैं, जो लॉयन के हेड से बैक नेक तक जाते हैं उन्हें कहते हैं मेन, क्या कहते हैं। अब दोनों की स्पेलिंग तो डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम आ रहा है ना, एम ए एन ई मेन। फिर पढ़ो, ए एन ई मेन, इसका क्या मतलब है, हेयर ऑन हॉर्स और लॉयंस नेक हेयर्स जो उसके होते हैं, समझ आई ना मेरी बात, बताओ। और दूसरे मेन का क्या मतलब है, एम ए आई एन का क्या मतलब है, माय जॉब, मेन जॉब, शाबाश। और इस मेन का मतलब है हेयर्स ऑन लॉयन के या उसके हॉर्स के जो नेक के ऊपर होते हैं उसे क्या कहते हैं, एम ए एन ई मेन, क्या बोलते हैं, एम ए एन ई मेन। फिर से पढ़ो नानू, मैं पढ़ी जा रही हूँ बार बार, एम ए एन ई मेन, एम ए एन ई मेन, एम ए एन ई मेन। फिर से, एम ए एन ई मेन, समझ आ गई है। अब ये देखो, ये है दो तरह की स्पेलिंग है, ये देखो नूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एम ई ए टी मीट, एम डबल ई टी मीट, क्या है, एम ई ए टी मीट, वो जो खाते हैं हम गोश, मीट, एम ई ए टी, एम ई ए टी, एम ई ए टी, और मीट दूसरा मीट कौन सा है, मिलने वाला, व्हेन वी मीट समवन, एम डबल ई टी मीट। नूर गौर से देखो, इधर इधर नीचे देखो, एम डबल ई टी मीट क्या है, क्या डिफरेंस है, ये मीट होता है, डिफरेंट फ्रॉम चीज, डिफरेंट फ्रॉम चीज, ठीक
चीज है, मैं मीनिंग में पूछ रही हूँ। ये मीट जो है वो खाने वाला है, मीट जो गोश होता है, लाइक वी ईट मीट, वी ईट चिकन, वी ईट वट एवर मटन, वी ईट क्या खाते हो, बीफ, मीट, एम ई ए टी, मीट बेटा, एम ई ए टी, बारबेक्यू हाँ बारबेक्यू भी, एम ई ए टी मीट मीट, और एम डबल ई टी मीट का क्या मतलब होता है, मिलना। समवन ये शाबाश, पर अब मीट की स्पेलिंग सुनाओ मुझे आंखें बंद करके। फर्स्ट फर्स्ट से डिनर फॉर फर्स्ट मी में ए ने, ए है सेकंड में। स्टॉप स्टॉप हाँ इट हाँ डू बोलो, नॉट से एनीथिंग फॉर 29 मिनट्स हाँ बोलो, MEAT क्या है ये, मी कौन सा, हे एम ई मी ए टी मीट, एम ई ए टी, मीट एम ई ए टी, नहीं करो नुआ लसन, जो कि बॉल है नूर, क्या कर रहे हो, एम ई ए टी मीट, जल्दी बताओ ना मुझे स्पेलिंग बताओ मीट की। अच्छा अब मैं कहूंगी आई मीट समवन, तो उसकी क्या स्पेलिंग होगी मीट की, आई मीट समवन। मीट भी बोलो ना, पूरा करो लफ्ज को, एम डबल ई टी मीट बोलो ना, एम डबल ई टी मीट, फिर से 5 टाइम्स बोलो। Hi, close my eyes. MEAT meat. MEAT. मीट भी बोलो ना, Meat. MEAT. एम डबल ई टी, वर्ड को पूरा किया करो, एम डबल ई टी मीट, Meat. एम डबल ई टी मीट, Meat. पूरा वर्ड बोला करो, उसका पूरा साउंड निकाला करो, समझाइए, उसको हाफ वे ना छोड़ा करो, एम डबल ई टी, मीट एम डबल ई टी, मीट एम डबल ई टी, मीट दोबारा बोलो, मीट दोबारा बोलो, ई टी मीट, मीट मीट, मीट पूरा साउंड आना चाहिए वर्ड का। चलो नीचे बोलो, एम आई डबल एस ई डी मिस्ट, क्या है ये, मिस्ट मिस्ट, मिस्ट एम आई डबल एस ई डी मिस्ड, मिस्ड मतलब हम किसी को याद कर रहे हैं, मिस्ड हमारी कोई चीज गुम गई है, मिस्ड के, सही है, समझाइए, इफ वी मिस समवन, आई एम मिसिंग माई फादर, तो मैं कहूंगी हाँ मिस्ड, ठीक है, और आई मिस्ड माई फोन समवेयर, तो क्या मतलब मेरा फोन गुम गया, समझाइए, मिस्ड मिस्ड, एम आई डबल एस ई डी, चलो पढ़ो जल्दी से नूर, पढ़ो एम आई डबल एस ई डी, अभी तुमने ये लिखने भी हैं सारे, जल्दी करो, एम आई डबल एस ई डी रिपीट करो, जल्दी करो, मुझे आवाज़ आनी चाहिए ना, मेरा नूर रोज है, जल्दी करो, एम आई डबल एस ई डी मीट मिस्ड, मिस एम आई डबल एस ई डी मिस्ड, मिस मिस्ड, मिस मिस्ड का क्या मतलब होता है, मिस्ड का क्या मतलब होता है बताओ मुझे, बताओ मैं पूछूं, मिस्ड का क्या मतलब होता है, मिस्ड मिस्ड का क्या मतलब होता है, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, मिस मी आई लॉस्ट माय आई मिस माय फोन और हाँ, आई मिस माय टेडी और आई मिस समवन, एम आई डबल एस ई डी क्या होता है, नूर स्पेलिंग बोलो दोबारा से, इसको छोड़ दो थोड़ी देर, फिर से, MISSED फिर से, MISSED missed फिर से, डबल एस ई डी मिस्ड, मिस्ड, मिस्ड कहते हैं जो हल्का सा, आप कभी बाहर गाड़ी में जाते हो, किसी दिन बारिश नहीं होती, वो हल्के से वाटर होता है, हल्के से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना गाड़ी के ऊपर, ठीक है, उसे कहते हैं मिस्ट, या हवा में जब आप चलते हो तो हवा में हल्के हल्के आपको लगता है वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं, बारिश नहीं होती, ड्राई वेदर होता है, मतलब ड्राई नहीं होता मतलब बारिश नहीं हो रही होती, तो आपको हल्के हल्का ड्रॉपलेट्स फील होते हैं विंड के अंदर, हवा के अंदर, इट्स कॉल्ड विंड, क्या कहते हैं उसको, विंड ओह इट्स कॉल्ड मिस्ट, क्या कहते हैं उसको, मिस्ट
क्या कहते हैं? मिस्ट, पढ़ो, MIST, मिस्ट। ST, ये वो मिस्ट है, ये मिस्ट है, टू है ना। MIST, टी की आवाज आ रही है, मिस्ट। स्पेलिंग रिवाइज करो, मुझे सुनाओ सुनाओ बेटा मुझे, MIST, मिस्ट। MIST, मिस्ड होता है ये, देखो गौर से, MISSED, मिस्ड, MISSED, मिस्ड, मिस्ड, मिस के आगे ईडी लगा दो। एम नूर, इसको एक डिक्टेशन के वक्त याद रखना, इसको रिपीट किया करो ताकि तुम्हें याद रहे। MISSED, मिस्ड, डू। अगर तुम वर्ड पूरा बोलोगे तो तुम्हें समझ आएगी कि इसकी क्या स्पेलिंग है। मिस्ड, मिस्ड, MISSED, मिस्ड, MISSED, मिस्ड। अब याद रहेगा कल स्कूल में। और मिस्ड की क्या स्पेलिंग है? MIST, मिस्ड, MISSED, मिस्ड करो। MISSED, क्या बना? मिस्ड, डू, मिस्ड, मिस्ड, समझ आइए? मिस्ड, अब समझ आइए, अब कैसा होगा कल? अच्छा आएगा कल रिजल्ट के? नहीं अच्छा आएगा? I get 9 out of 10 sing. Oh my God, नूर इतने ख्वाब ना दिखाए करो मुझे। नुवाल तुम्हारा पेन उसके हाथ में, उसे ले लो। चलो मिस्ट, मिस्ट की स्पेलिंग सुनाओ फिर मुझे, अभी जल्दी करो। मिस्ट की स्पेलिंग सुनाओ, जल्दी सुनाओ। मिस्ट, मिस्ट किसका साउंड आ रहा है? मिस्ट, मिस्ट, चलो ना नूर, MISSED, मिस्ट, जल्दी सुनाया करो ना। एम कौन सा? मिस्ट, टू, दिस वन। Close my eyes. MIST, मिस्ट, और MISSED, मिस्ड, ड, साउंड बचाना करो, समझ आइए? चलो इसको लिखो अब सबको, जल्दी करो। चलो पेंसिल पकड़ो, कॉपी पकड़ो, उठ जाओ नूर, उठ जाओ, टाइम नहीं है बेटा, उठो।